नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मनीषा भरानी है और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। समोसा हम सबको बहुत पसंद आता है और हम इसे कभी भी खाने के लिए तैयार होते हैं। आज मैं आपके साथ में कॉर्न पनीर समोसा की रेसिपी लेके आई हूँ। दोस्तों, ये समोसा बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस तैयार होता है। ये इतना टेस्टी है कि अगर आपने इसे एक बार खाने का शुरू किया तो आप इसको खाते ही रहेंगे। ये बहुत ही क्रिस्पी और करारा तैयार होता है। तो चलिए देर ना करते हुए कॉर्न पनीर समोसा बनाना शुरू करते हैं। समोसा बनाने के लिए पहले हम आटा गूंद लेते हैं। मैंने एक प्लेट ले ली है और उसके अंदर मैंने एक छन्नी रख दी है। उसमें मैं 2 कप मैदा डाल देती हूँ। दोस्तों, आप जब भी कोई भी आटे में से रेसिपी बनाएं तभी हमेशा उसे छान लीजिएगा। जो 200 ml का मेजरिंग कप है वो नाप से मैंने 2 कप मैदा लिया है। स्वाद के अनुसार नमक, 2 टेबलस्पून तेल। अब मैं सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। सारी सामग्री अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसका पानी से आटा गूंद लेती हूँ। मैं रोटी के जैसे नरम आटा गूंदूंगी। आटा तैयार हो चुका है। इसके ऊपर मैं 1 चम्मच तेल डाल देती हूँ और इसे अच्छे से मसल लेती हूँ। आटा बहुत ही अच्छे से चिकना हो चुका है। अब मैं इसे ढक के आधे घंटे के लिए रेस्ट दे देती हूँ। आधा घंटा हो चुका है, आटे को चेक कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया आटा तैयार हुआ है। मैं इसे थोड़ा सा मसल लेती हूँ। अब मैं इसमें से पेड़े बना लेती हूँ। हम बहुत ही पतली शीट बेलने वाले हैं, इसलिए मैं पेड़े छोटी साइज के बनाने वाली हूँ। अब मैं इसे बेल लेती हूँ। मैं इस प्रकार से 3 पूरी एक साथ बेलने वाली हूँ, इसलिए मैंने ये 3 पेड़ों का सेट बनाया है। पेड़े के ऊपर मैं थोड़ा सा सूखा आटा कोट कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे मैदे का उपयोग किया है और इसे बेल लेंगे। दोस्तों, जब भी आप इसे बेलें तभी हमेशा सूखा आटा लेके ही इसे बेलिए। बिल्कुल इसी प्रकार से मैं 3 पूरी तैयार कर लेती हूँ। अब मैं 1 पूरी के ऊपर तेल लगा देती हूँ और उसके ऊपर अच्छे से मैदा छिड़क देंगे। अब हमने जो दूसरी पूरी बेली है उसे मैं तेल लगाए हुए पूरी के ऊपर रख देती हूँ। ये पूरी के ऊपर भी मैं मैदा और तेल दोनों लगा देती हूँ। अब मैं इसके ऊपर तीसरी पूरी रख देती हूँ। तीनों पूरी को हल्के हाथों से दबा के उसके ऊपर मैं मैदा छिड़क देती हूँ और इसे बेल लेती हूँ। आप जितना पतला बेल सकते हैं आप उतना इसे बेल लीजिए। मैं हमेशा इस प्रकार से 3 पूरी का ही सेट बना के इसे तैयार करती हूँ, जिसे हम बहुत ही पतला बेल सकते हैं।
ये देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाती हूँ मैंने इसे इस प्रकार से कितना पतला बेला है। मैं इसे एक प्लेट के ऊपर ले लेती हूँ और दूसरी रोटी भी तैयार कर लेती हूँ। दोस्तों बिल्कुल इसी प्रकार से हम सारी हमारी रोटियां हैं वो तैयार कर लेंगे। मैंने रोटी बेल ली है, अब मैं इसे सेक लेती हूँ। मैंने तवे को बहुत ही हल्का सा गर्म किया है। अब हमने जो रोटी तैयार की है वो उस पर रख देती हूँ। दोस्तों अगर आप जब सेकते हैं और तवा बहुत ज्यादा गर्म हो जाए तो आप आंच को बंद कर दीजिएगा। अगर आपने बहुत ज्यादा गर्म तवे में इसे सेका तो इसके ऊपर बहुत ही लाल धब्बे पड़ जाएंगे। हमें इसे एकदम वाइट ही सेकना है। एक साइड से ये सिक चुकी है, मैं इसे पलट लेती हूँ। बिल्कुल इसी प्रकार से मैं सारी रोटी तैयार कर लेती हूँ। मैंने रोटी को सेक लिया है, मैं आपको इसे अलग करके बताती हूँ। दोस्तों ये थोड़ी सी ठंडी हो जानी चाहिए तब आप इसे अलग कीजिएगा। पहले मैं रोटी के जो कॉर्नर्स है वो छुड़ा लेती हूँ। एकदम तवे पे से उतार के इसे तुरंत अलग मत कीजिएगा, 2-3 मिनट रुकने के बाद इसे अलग कीजिएगा। जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ बिल्कुल उसी प्रकार से आप इसे तैयार कीजिएगा। ये देखिए दोस्तों, इसके लेयर्स बहुत ही अच्छी तरीके से अलग हो जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये रोटी निकालते निकालते थोड़ी सी टूट गई है। आप इसे बहुत ही सावधानी पूर्वक इसे निकालिएगा। मैंने शायद यहाँ पे मैदा अच्छे से नहीं लगाया होगा, इसके लिए ये प्रॉब्लम आता है। मैं बाकी की रोटी निकाल लेती हूँ। ये देखिए, ये भले एक साइड से फट गई है लेकिन बाकी की रोटी बहुत ही अच्छे से निकल आई है। मैं आपको और एक रोटी अलग करके बताती हूँ। दोस्तों मैंने ये शीट मैदे में बनाई है, पर अगर आप चाहें तो यहाँ पे गेहूं का आटा का भी उपयोग कर सकते हैं, या तो फिर आप आधा गेहूं और आधा आटे का भी उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों और एक इम्पॉर्टेंट बात है, जब भी आप ये शीट्स छुड़ाएंगे तभी हमेशा साइड से इसे छुड़ाना शुरू कीजिएगा और फिर धीरे धीरे करके बीच वाली रोटी को आप अलग कीजिएगा। और जब भी ये शीट बनाए तभी इस बात का पूरा ध्यान रखिए, इसके ऊपर अच्छे से ऑयल और मैदा छिड़किए, जिससे बिल्कुल भी आसानी से ये रोटी अलग हो जाएगी। इस प्रकार करने से आपकी रोटी बिल्कुल भी नहीं टूटेगी और बहुत अच्छे से अलग हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी तीनों रोटियां बहुत ही अच्छे से अलग हो चुकी हैं और आप देख सकते हैं इसमें से मेरा हाथ भी बहुत अच्छे से दिख रहा है। ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट तैयार हुई हैं। मैं कई बार इस प्रकार से शीट्स बना के फ्रीज में 2-3 महीने तक स्टोर भी करती हूँ और जब भी मुझे रेसिपी में यूज करना होता है मैं इसका उपयोग करती हूँ।
दोस्तों बिल्कुल इसी प्रकार से मैं सारी शीट्स छुड़ा लेती हूँ। ये देखे दोस्तों हमारी शीट्स बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुकी हैं। अब मैं आपको इसको कट करके बताती हूँ। मैं इस प्रकार से शीट्स को तैयार करके जिप्लॉक बैग के अंदर पैक कर लेती हूँ। इसे मैं फ्रीज में 2 से 3 महीने तक अच्छे से स्टोर कर सकती हूँ। और अगर आपने इसे फ्रीजर में स्टोर किया तो दोस्तों करीबन ये 8 से 9 महीना बहुत ही अच्छे रहते हैं। पहले मैं रोटी को आधा कर लेती हूँ और फिर उसको हम नाइफ की सहायता से थोड़े से निशान बना लेंगे और फिर एक स्केल की मदद से मैं इसे कट कर लेती हूँ। जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ बिल्कुल उसी प्रकार से आप भी इसे कीजिएगा। इससे आप बहुत सारी रोटियाँ एक साथ में कट कर पाएंगे। ये समोसा की शीट तैयार हो चुकी हैं। अब मैं आपको कॉर्न पनीर समोसा सिखाने वाली हूँ। उसके लिए हम स्टफिंग बना लेते हैं। मैंने कढ़ाई ले ली है और उसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून तेल डाल देती हूँ। उसके अंदर मैं 1/2 कप प्याज और 1/2 कप कैप्सिकम ले लेती हूँ। थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ जिससे ये वेजिटेबल जल्दी कुक हो जाएंगे। अब मैं इसे सौते कर लेती हूँ। आधा मिनट हो चुका है और कैप्सिकम और प्याज दोनों ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। अब मैं इसमें मकाई डाल देती हूँ। मैंने 1/4 कप मकाई ली है। मकाई को मैंने बॉईल कर लिया है। सारी चीजों को अच्छे से सौते कर लेंगे। अब मैं इसके अंदर 1 कप ग्रेट किया हुआ पनीर ले लेती हूँ, 1 चम्मच मिर्ची का पेस्ट, 1/2 कप धनिया। दोस्तों मैं कई बार धनिया की जगह पे पालक भी डालती हूँ जो बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपके पास पालक अवेलेबल है तो आप इसमें 1/2 कप पालक भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून गरम मसाला। चाट मसाले में नमक होता है तो नमक हम थोड़ा सावधानी पूर्वक ऐड करेंगे, स्वाद के अनुसार नमक। अब मैं सारी सामग्री को मिक्स कर लेती हूँ और इसे 1/2 मिनट के लिए कुक कर लेती हूँ। सारी सामग्री अच्छे से मिक्स हो चुकी है। मैं इसे ठंडा कर लेती हूँ। जब तक मिश्रण ठंडा हो रहा है तब तक हमें एक पेस्ट तैयार करनी है, वो कर लेते हैं। मैं एक बोल के अंदर 2 टेबलस्पून मैदा ले लेती हूँ और इसके अंदर मैं पानी डाल के इसकी स्लरी बना लेंगे। हमें इसकी गाढ़ी वाली स्लरी बनानी है। ये जो पेस्ट तैयार होगी उससे हम समोसों को स्टिक करेंगे। ये देखें दोस्तों हमें इस प्रकार की स्लरी तैयार करनी है। अब हम समोसा बना लेते हैं। मैंने एक बोल के अंदर मिश्रण था वो ले लिया है, स्लरी ले ली है और हमने जो भी समोसा की पट्टी तैयार की है वो भी ले ली है। अब हमने जो समोसा के लिए रोटी ले ली है वो मैं ले लेती हूँ और उसके ऊपर हमने जो स्लरी तैयार की है वो लगा देती हूँ और इसे फोल्ड कर लेंगे। जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ बिल्कुल उसी प्रकार से हमें इसे कोन शेप में फोल्ड करना है। हमने जो कोन तैयार किया है उसके अंदर का जो एक लेयर है वहाँ पे मैं थोड़ी सी स्लरी लगा देती हूँ और इसे अच्छे से सिक्योर कर लेती हूँ। जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ बिल्कुल उसी प्रकार से आप भी इसे तैयार कीजिएगा। कोन तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें स्टफिंग भर लेती हूँ। मैं अच्छी क्वांटिटी में स्टफिंग भरूंगी जिससे ये समोसे बहुत ही टेस्टी और बढ़िया लगेंगे। हमने जो समोसा तैयार किया है उसके कॉर्नर पे मैं स्लरी लगा देती हूँ। अब समोसे को पैक कर लेंगे। अच्छे से दबाते हुए हम समोसा को सील करेंगे जिससे जब भी हम इसे तलेंगे तब ये मिश्रण बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा। ये देखे दोस्तों हमारा समोसा तैयार हो चुका है। बिल्कुल इसी प्रकार से मैं सारे समोसे तैयार कर लेती हूँ। दोस्तों जब भी आप ये समोसा बनाएंगे तभी उसमें अच्छे प्रकार से स्टफिंग को डालिएगा जिससे ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। हमारे सारे समोसे तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसे तल लेती हूँ। मैंने तेल को गरम करने के लिए रख दिया था। मैं चेक कर लेती हूँ तेल गरम हुआ है कि नहीं। हाँ दोस्तों ये गरम हो चुका है। अब मैं इसे तल लेती हूँ। मैं इसे धीमी आंच के ऊपर तलूंगी। एक साइड से ये अच्छे से तल चुके हैं, मैं इसे पलट लेती हूँ और दूसरी साइड भी इसे तल लेती हूँ।
समोसा बहुत ही अच्छे से तल चुका है, मैं इसे निकाल लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही क्रिस्पी और करारा हमारा समोसा तैयार हुआ है। बिल्कुल इसी प्रकार से मैं सारे समोसे तैयार कर लेती हूँ। समोसे तैयार हो चुके हैं, अब मैं इसकी प्लेटिंग कर लेती हूँ। मैंने कटोरी के अंदर टमाटो केचप ले लिया है, आप चाहें तो इसे हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अब मैं समोसा प्लेट में अरेंज कर लेती हूँ। दोस्तों बहुत ही क्रिस्पी और करारे हमारे समोसा तैयार हुए हैं। मैं आपको समोसा तोड़ के बताती हूँ। ये देखे दोस्तों, बहुत ही क्रिस्पी और करारे और अंदर स्टफिंग से भरा हुआ समोसा हमने तैयार किया है। दोस्तों जैसे मैंने आपको सिखाया है, बिल्कुल उसी प्रकार से आप अच्छे से स्टफिंग को भरिएगा, जिससे ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। एना टेम्प्टिंग, जिसे देख के ही खाने की इच्छा हो जाए, वैसा हमारा कॉर्न पनीर समोसा बनके तैयार है। आप इस रेसिपी को बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर करें। और इसी प्रकार की यूनिक रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।